बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोहम्मद सईद आज आपके साथ सेवन अप पेट डाउन तेजगाम की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहा हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि तेजगाम एक्सप्रेस को भी एक प्राइवेट सेक्टर एनसीएस के हवाले कर दिया गया है और आज 1 जुलाई 2022 को इसे प्राइवेट सेक्टर के जेर इंतजाम चलाया जाना था, मगर अब इसे 4 से 5 रोज के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। इसकी क्या वजूहत हैं और पैसेंजर्स को क्या परेशानी जो है वो पेश आ रही है, ये जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। मगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जब आप मोबाइल ऐप के थ्रू 7 अप 8 डाउन की बुकिंग करेंगे तो जुलाई अगस्त की तमाम क्लासेस आपको सोल्ड आउट में नजर आएंगी, जबकि पाकिस्तान रेलवे ने अभी अपनी बुकिंग ऐप से इसको हटाया नहीं है, जबकि एनसीएस ने अपनी भी ऐप जो है वो लॉन्च कर दी है। लिहाजा 7 अप 8 डाउन से सफ़र करने वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो रेलवे ऐप की बजाय एनसीएस की ऐप जो है वो इस्तेमाल करें। स्क्रीन पे आप एनसीएस का यूआरएल देख सकते हैं, जहां जाके आप अपना अकाउंट बना के रजिस्टर्ड कर सकते हैं बुकिंग के लिए, या फिर रेलवे स्टेशन पे एनसीएस के काउंटर बनाए गए हैं जहां 7 अप 8 डाउन के स्टॉप हैं, आप वहां से भी बुकिंग करवा सकते हैं। तो आज बकायदा तौर पे 7 अप 8 डाउन एनसीएस के हवाले क्यों ना की जा सकी, इसकी मेन रीज़न जो सामने आई वो कि वो अपनी ऑफर की गई अमाउंट जो है पाकिस्तान रेलवे के हवाले ना कर सका, लिहाजा एनसीएस अभी बुकिंग में मसरूफ है और ऑफर करदा रकम पाकिस्तान रेलवे को देने के बाद 7 अप 8 डाउन की मैनेजमेंट कम्प्लीटली इनके हवाले कर दी जाएगी। व्यूअर्स, मेरे चैनल पर 7 अप तेजगाम का कंप्लीट रिव्यू मौजूद है, अभी सिर्फ फ़र्क ये आया कि इसमें से डाइनिंग कार को हटा लिया गया है और बाकी दीगर तफसील जो है वो सेम ही है, और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। व्यूअर्स, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको मिल सकें।